न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ही मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। बीते बरस हिंदी सिनेमा की एक लोकप्रिय अदाकारा ने फिल्मी जगत को अलविदा कहा। जी हाँ, साल 2019 का वो दुखद दिन था 15 अगस्त। वाइटिंग एंटरटेनमेंट की जानी अनजानी श्रृंखला में याद कर रहे हैं इस अदाकारा को। 70 के दशक की ये खूबसूरत अदाकारा थी विद्या सिन्हा। विद्या सिन्हा जिनकी फिल्मों की सूची भले ही लंबी ना हो, परंतु अपने सहज सरल व सादगीपूर्ण अभिनय से वे दर्शकों का दिल जीतने में पूरी तरह से कामयाब रही। प्रिंटेड साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी, ढीली ढाली इकहरी चोटी और होंठों पे हल्की सी मीठी मुस्कान, यही तो थी इस अदाकारा की मुख्य पहचान। मुंबई में जन्मी व पली बड़ी विद्या सिन्हा ने किसी एक्टिंग स्कूल से प्रशिक्षण नहीं लिया था। फिल्मों में आने से पहले वे मॉडलिंग को ही अपना करियर बना चुकी थी, परंतु विद्या सिन्हा फिल्मों की बेहद शौकीन थी। अपनी नेचुरल ब्यूटी और एक्टिंग से नाना प्रकार के उत्पादों में काम करके उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। इतना ही नहीं, साल 1968 में वे मिस बॉम्बे भी चुनी गई थी। हल्की फुल्की कॉमेडी, रोमांटिक, घरेलू व संजीदा, इन अलग अलग भूमिकाओं से विद्या सिन्हा ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक खास जगह बनाई थी। अधिकांश फिल्मों में एक भारतीय नारी के किरदार में विद्या सिन्हा पूरी तरह से सफल रही, फिर चाहे वो पढ़ी लिखी महिला दीपा का किरदार हो या फिर घर को संभालने वाली पत्नी और माँ शारदा का। भूमिका चाहे जो भी हो, दर्शकों ने उनकी फिल्मों के साथ साथ उनके अभिनय को भी खूब सराहा और पसंद किया। इसकी वजह थी उनका नेचुरल ब्यूटी और सरल अभिनय। 70 के दशक में हिंदी सिनेमा की टॉप हीरोइनों में से एक थी विद्या सिन्हा। साल 1974 से फिल्मों में कदम रखने वाली विद्या सिन्हा ने फिल्म इंडस्ट्री को एक के बाद एक कामयाब फिल्में दी। एक और मनु भंडारी की लघु कहानी ये सच है पर आधारित फिल्म रजनीगंधा, तो दूसरी और छोटी सी बात मेरा जीवन, जीवन मुक्त, मुक्ति, कर्म, किताब, अतिथि, जीना यहाँ, पति पत्नी और वो तुम्हारे लिए, मगरू, मीरा, स्वयंवर, सबूत और जोश जैसी कामयाब फिल्में दी हिंदी सिनेमा को। इतना ही नहीं, अकिरा कुरोसावा की जैपनीज फिल्म हाई एंड लो का हिंदी रिमेक, इनकार और बांग्ला फिल्म छोटे फांदे का हिंदी रिमेक सफेद झूठ भी उनकी कामयाब फिल्मों में शुमार है। 1974 में आई रजनीगंधा विद्या सिन्हा की पहली हिट फिल्म थी, हालांकि उनकी पहली डेब्यू फिल्म थी राजा काका, जो साल 1974 में आई थी। इस फिल्म में इनके नायक थे किरण कुमार। इसी फिल्म में अभिनेता प्रेमनाथ ने एक गीत भी गाया था, डगर जगत देखो। विद्या सिन्हा की फिल्मों की सफलता का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष था उनकी फिल्मों का संगीत। गीतों की सफलता में योगदान रहा सलिल चौधरी, आर डी बर्मन, रविंद्र जैन, जयदेव, राजेश रोशन, बप्पी लहरी व श्यामल मित्रा जैसे लोकप्रिय संगीतकारों का। फिल्म रजनीगंधा का शीर्षक गीत हो या फिल्म छोटी सी बात का जाने मन या फिल्म तुम्हारे लिए की तुम्हें देखती हूँ, पति पत्नी और वो का, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, मुक्ति का सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, जैसे गीतों को उस दौर के संगीत प्रेमियों ने खूब पसंद किया। 70 के दशक में बासु चटर्जी, सुरेश जिंदल, कमल सहगल, राजन सिप्पी, रामू सिप्पी, गुलजार, राज तिलक, प्राणलाल मेहता और बी आर चोपड़ा जैसे सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशकों की फिल्मों में अमोल पालेकर जैसे उस समय के उभरते हुए नायक के अलावा संजीव कुमार, शशि कपूर, विनोद खन्ना, उत्तम कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा और सुपरस्टार राजेश खन्ना जैसे उस दौर के लोकप्रिय नायकों की नायिका बनकर पर्दे पर छा गई थी विद्या सिन्हा। सदैव सकारात्मक भूमिकाओं को अदा करने वाली विद्या ने राजन सिप्पी की 1981 में फिल्म जोश में नकारात्मक भूमिका भी निभाई थी। बहुत कम संगीत प्रेमी ये जानते हैं कि विद्या सिन्हा ने सत्यजीत रॉय की 1962 की फिल्म कंचनजंगा में एक छोटी सी भूमिका की थी। 80 के दशक में लव स्टोरी, किरायेदार, प्यारा दुश्मन, कैदी और जीवा जैसी फिल्मों से विद्या सिन्हा चरित्र भूमिकाएं करने लगी थी। साल 2011 में आई बॉडीगार्ड उनकी अंतिम फिल्म थी, जिसमें वे करीना कपूर की माँ बनी थी। फिल्म में ये माँ बॉडीगार्ड सलमान खान को बात बात पर डांटती रहती हैं। इस हास्य भूमिका में भी वे खूब सराही गई।
सिनेमा के बड़े पर्दे के अलावा टेलीविजन के छोटे पर्दे पर उन्होंने काव्यांजलि, जारा, हार जीत कबूल है, इश्क का रंग सफेद, चंद्र नंदिनी और कुल्फी कुमार बाजेवाला जैसे धारावाहिकों में काम किया। विभिन्न धारावाहिकों में उनके द्वारा निभाए गए चरित्र भूमिकाओं में भी उन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। साल 1947 15 नवंबर को मुंबई में जन्मी विद्या सिन्हा आज भले ही हमारे बीच नहीं है, परंतु सिनेमा प्रेमी जब भी विद्या सिन्हा अभिनीत फिल्मों को देखेंगे या उन पर फिल्माए गए गीतों को सुनेंगे, वे यही कहेंगे, तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती। वाइटिंग एंटरटेनमेंट की जाने अनजाने की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए, लाइक करके और अपने कमेंट्स के माध्यम से। धन्यवाद।